तो सीधी भाजत भी चली गई बस सामने खैया पे। फिर खैया तक तो हम गए हैं, वहाँ से थोड़ी सी आगे और गए हैं, फिर और आगे भाजी तो हमारे ख्याल से जावाले सामने वाले गांव में गई हुई है। भाई आज हो पहली बार आई मेरे साथ यहाँ पे और पहली बार में भाग गई, और अभी तक भाई मेरी सिस्टर को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। मैंने भाई कई बार कॉल कर चुका हूँ बट उनसे अभी बात नहीं हो पाई है मेरी। मैं फिर से आया हूँ दोबारा से बाइक लेके, भाई उससे तो जितना मैं बुला रहा था ना उतनी तेज वो भाग रही थी। वैसे भाई छोड़ भी नहीं सकते हैं, जहाँ से उतरी है फिर आगे बापेड़ तक आए हम खजूर तक, और खजूर के बाद से मैं ना पता चली कितने गई है। रुकियो ना रुकियो, इतने ही तक हम आई थी और इतने के बाद हमें ना पता चली कितने गई। जहाँ तक तो हम आए थे जहाँ पे आई थी हम खड़े हुए हैं, फिर जहाँ के बाद हमें ना पता चली कितने गाएंगे। अब कितने जा सकते मेरे ख्याल तो सीधी जाए, और कुछ गांव है ना इतने है? इतने कौन सा गांव है? इधर तो कोई गांव ना है, तू सामने कोई दिक्कत हो रहा है यार, घर कोई हो ये। होप होप ले ले आ आ चुनाव अगर आगे चले गांव में चले वहीं देख रहे चले। अब यहाँ से भाई एक तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी साइड गई होगी। मेरा यहाँ तक अंदाज है कि आसपास तीनों तरफ गांव है, और इधर वाला गांव तो मुझे पता है, तो एक बार इस वाले गांव में चेक करते हैं और थोड़ा बहुत पूछते हैं चल के। चलो ले चलो अनु। आज यार भाई ये मिल जाए उसके बाद इससे बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दूंगा मैं आज के बाद। मुझे नहीं पता था भाई ये इस तरीके की एक्टिविटी करेगी। उस दिन भाई बुलबुल खो गई थी, वो तो चलो गांव के अंदर ही थी, बट ये भाई गांव से बहुत दूर है। यहां भाई ऐसे बिल्कुल पता करना बहुत मुश्किल है। क्या कोई कुतिया आई थी? कुतिया आई? कोई कुतिया? आजा आओ आजा आओ आओ आजा 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 आओ आजा जल्दी आओ आजा आजा। ओ इसी एरिया में थी, और यहाँ पे भाई एक भाई पानी लगा रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई यहीं पे थी अभी एक काली रंग की, ये भाई वहीं पे मिल गई, अगर मैं नहीं आता ना ढूंढने तो ये यहाँ मर जाती। यहाँ भाई अभी फिलहाल तो यहाँ पास कोई गांव नहीं है, यहाँ से गांव सारे दूर है, और इसके लिए सारी चीजें अनजान है। जब मैं उस टाइम बुला रहा था ना तब ये पता नहीं क्यों भाग रही थी, और यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा है, अभी इसकी हालत खराब होती थोड़ी बहुत देर बाद। चलो भाई फाइनली मिल तो गई। भाई इन लोगों को मेरे पास करीबन 2 महीने पूरे हो गए हैं, और मैं इन्हें खाना डालता हूँ, और ये भाई हम ही लोगों के साथ रहते हैं, बट इसने भाई यहाँ आने के बाद धोखा दिया मुझे। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा तो यहाँ है भाई जंगली कुत्तों का। जंगली कुत्ते भी इसी एरिया में रहते हैं, और यही एरिया भाई गायों का है, और यही एरिया भाई जंगली कुत्तों का है। ओ भाई इसे भगा के पकड़ लेते और मार देते, बट भाई ये नहीं समझती है ये चीज, कम से कम जोगी को देख के भाई वापस आ जाती है। तो सामने पेड़ दिख रहे हैं आपको खजूर के, वहाँ पे सारी गाय बैठी हैं आराम कर रही हैं, अभी भी नहीं आ रही। आ जाओ जल्दी आओ 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 चलो आ जाओ। इसी पानी भरा यहाँ पे सारस ने भी आना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ भाई थोड़ी सी चहल पहल हो गई पक्षियों की, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, सारे भाई पानी पीने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। फाइनली भाई अब इसे लेके चलते हैं, बाइक पे बिठा लिया है। आज ये भाई कहीं नहीं पहुँच पाती, ना घर पे आ पाती ना कहीं जा पाती। आ जाओ चलो, अच्छी लग रही है, मैं ना सोची थी इतनी बढ़िया हो यार, दोनों एक ही सी लग रही है। बुद्धा बबलू दा जाता तुम ले याद दे हैं, जाता तुम ले याद दे ले भाई। जो आपने बच्चिया देखी है लाल रंग की, वो प्योर साहिवाल की बच्चिया थी, जिन भाई की थी भाई, वो आए थे मेरे घेर में, तो मैंने उन्हें त्रिवेणी दिखाई और भाई उसके बारे में बताया कि ये मैंने पकड़ी है, कुछ छोड़ गया था, तब भाई उन्होंने बताया कि जनवरी के टाइम उन्होंने भी एक रखी है अपने पास, छोटी सी थी कोई छोड़ गया था, तो फिर वो दिखाने के लिए भाई मुझे ले गई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था मैं भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी उसकी, काफी अच्छी परसेंटेज थी उसके अंदर साहिवाल की। अब जनवरी से उनके पास है, यानी कि खातिरदारी भी उनके पास काफी टाइम से चल रही है, तो जनवरी से थी तो इसका मतलब और भी छोटी होगी, मगर भी बहुत बढ़िया थी। पता नहीं भाई कौन बेवकूफ था जिसने इतनी अच्छी बच्ची अपनी छोड़ दी आके भाई, इस एज पे उसके अच्छा खासा हम्प था, तो यानी कि जब वो पूरी होगी तब भाई उसके बढ़िया हम्प होगा। कुछ पता नहीं कैमरे में समझ में आ रही या नहीं, बट भाई लाइव देखने में अलग लग रही थी, बिल्कुल अलग लग रही थी।
और अब भाई मेरा चारा भी काफी बड़ा बड़ा हो गया है, अब टाइट भी बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए भाई घर के अंदर ट्राली सेट कर रहे हैं सिंगल व्हील वाली। क्योंकि भाई मशीन पे एक बार ट्राली सेट हो जाएगी फिर चाहे जितने भी पूरे जाए भाई कुटी करने की दिक्कत नहीं होगी, सिंगल आदमी ही कर लेगा आराम से, मतलब भाई दूसरे आदमी का टाइम खराब नहीं होगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना भाई जयकाल रहता है, ये भाई जयकाल को निकालते हैं इसमें से और फिर भगाते हैं। वो देखो उस साइड होप भाग रही है, सारे आए मेरे साथ, कोई उधर से घुसा है कोई इधर से घुसा है, और वो जयकाल को निकालेंगे भगाएंगे उससे, ऐसी ये स्मेल लेते रहेंगे और उसे भाई ढूंढते रहेंगे। भाई वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर अपनी गायों का सेटअप इसी खेत के अंदर बनाऊं, इसी खेत के अंदर चारा होगा भाई, यहीं पे कुटी की मशीन रख लेंगे, यहीं कहीं पे जगह बना लेंगे उनकी गोबर डालने की, बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, चारा यहीं से काटा यहीं कुटी होगी यहीं पे डाल दिया उन्हें। अभी मैं देख रहा हूं, प्लान कर रहा हूं सारा कुछ भाई, बढ़िया करके शेड बनाएंगे इन फ्यूचर में उनका जरूर यहाँ पे, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आराम रहेगा उन्हें। और भाई वैसे तो प्लान तो मेरा काफी कुछ है भाई, अगर यहाँ पे मैं शेड बनाऊंगा इन फ्यूचर में तो भाई काफी सारे पेट रखूंगा, भाई यहाँ पर प्रॉपर जगह है, प्रॉपर व्यवस्था है और बहुत बढ़िया लगेगा यहाँ पे भाई, सारा कुछ मैंने सोच रखा है भाई, मैं उसी हिसाब से बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। बाकी तो भाई देखते हैं आगे इन फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि भाई फ्यूचर का किसी को कुछ भी नहीं पता भाई, जिंदगी है कहाँ लेके चली जाए। तो फाइनली भाई यहाँ पर अपनी ये कुटी की मशीन सेट हो गई है और ट्राली यहाँ पे रख गई है भाई, अभी इसका लाइन लेंथ नहीं मिला है, और ये देखो यहाँ से पक्का कर दिया है, बट भाई अभी इससे सेट करना बाकी है आज, और भाई ये हाथ से ही करनी पड़ेगी, शाम तक ये सेट हो जाएगी बिल्कुल, और उसके बाद भाई हाथ से करने वाला सीन खत्म। तो फाइनली भाई इस वाली मुर्गी के चार बच्चे टोटल निकल आए हैं, दो पहले निकले थे और दो बाद में उस वाली मुर्गी ने निकाले हैं, अब इन दोनों को मिला के टोटल चार बच्चे हो गए हैं। अब भाई मेरे पास हो गए हैं टोटल 11 बच्चे, सारे मिलाकर टोटल 11 बच्चे हो गए हैं भाई। मैं अभी तक ये समझ रहा था कि इससे पूरे 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, बट आज मैं हिसाब लगा रहा था भाई इसने पूरे 7 महीने कंप्लीट किए हैं अभी, अब ये 8वें महीने में एंटर करेगी, तो अभी भाई 2 महीने रहते हैं पूरे इसके, यही कंफ्यूजन था भाई इसका। दूसरा भाई जमुना का, आज मेरे पापा ये बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जमुना प्रेग्नेंट नहीं है, और पता नहीं भाई उन्हें कैसे लग रहा था, ऐसे भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इस बार कंसीव कर गई है, क्योंकि हिट पे तो आई नहीं है भाई, उनका अपना आइडिया है, अब एक बार इसे भाई चेक कराना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे जहां तक मेरा अंदाज है ये हिट पे तो आई नहीं है। यहां पर कितने सारे अंडे कलेक्ट हो गए हैं, और अभी गर्मी ज्यादा होती है तो भाई डॉग्स को तो मैं अंडे डालता नहीं हूँ, बट इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अंडे पूरे इसके अंदर इकट्ठे हो गए हैं। वहां पर भी कुछ अंडे रखे हैं मुझे दिख रहे हैं, इन्हें मैं बाद में उठाऊंगा। तो सबसे पहले इसे श्यामा को बांध देते हैं अंदर, इसके ऊपर आ गई है धूप, आ जा। वैसे तो भाई श्यामा ने 2 बार बच्चा दिया है, और भाई दोनों बार बच्चे ही दिए, इस बार पता नहीं इस बार क्या होगा बच्चे, देखो भाई इस बार तो ये चीज कंफर्म नहीं है कि ये मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी, वैसे भाई मेरे पापा भी ये चीज बोल रहे हैं इस बार भाई इसे सेल ही करेंगे, थोड़ी सी भाई इसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, ये कुछ ना कुछ हरकत कर देती है। और वैसे ये भाई ये है मेरे घर की बच्चिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, और वो जो जमुना है ना वो इसकी जब ये पहली बार बच्चा दिया था तब जमुना हुई थी, और दूसरी बार में हुई थी कम्मो इससे, और अब ये तीसरी बार बच्चा देगी।